घोड़े गांव की ये गुड मॉर्निंग है, अपने हाथ की चाय। फ्रेंड्स देखिए हमारी मॉर्निंग टी, पीछे कितनी शानदार लोकेशन है। एंजॉय ऑफ लाइफ। करो करीब 25 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं। चाय पिलाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। इतना नज़ारे देख के गाड़ी हमें रोकनी पड़ गई, तो लोनावाला पहुँच गए थे। डल गया राजमे में। डिनर इस लोकेशन में। मैंने किया, अब हो गई है तैयारी। गुड मॉर्निंग, देखिए सवेरे हो गई है और अभी हमने पिया है यहाँ पर गर्म पानी सुबह उठ के पहले, क्योंकि ठंड का समय है। और घोड़े गांव की ये गुड मॉर्निंग है। बराबर में नदी की आवाज़ आ रही है। ये देखिए ये हमारी लोकेशन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए मॉर्निंग में अपना बेड, अभी उठे हैं थोड़ी देर पहले ही, और अपना व्यवस्था कर रहे हैं और अब चाय बनाने की तैयारी चल रही है हमारी। ये देखिए अपने हाथ की चाय। अदरक के बाद इसमें आ गई चाय की ये पत्ती। सूर्योदय भी हो गया है, अब निकलने की तैयारी है हमारी भीमा शंकर के लिए। बस फटाफट फटाफट चाय पी के निकलेंगे यहाँ से। नवीन जी रेडी? फर्स्ट क्लास रेडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। और अब इसमें आ गया अंतिम मेल का, आ गया ये चाय। एक बार अच्छे से मिल जाए तो बस पूरा दिन सही निकल जाता है। इसीलिए देखिए सुबह की चाय में पूरी ताकत लगा दी गई है, सारी शक्तियाँ लगा के बेहतरीन चाय बनाई जा रही है। और चाय हमारी अब हो गई है रेडी पीने के लिए। फ्रेंड्स देखिए हमारी मॉर्निंग टी विद रस और खाकरा। यार देखिए पूरा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। नवीन जी चाय। बढ़िया। सुबह की हमारी लोकेशन, ठंडी ठंडी सवेरे में गरम गरम चाय, ये आप देखिए। और यहाँ से हमारी निकलने की तैयारी है, ये आप देखिए। रेडी हो गए हैं सब लोग। कितना सुंदर व्यू है, कितना सुंदर नज़ारा है, आप देखिए। शानदार लोकेशन है। यहाँ से चलने से पहले मैं आपको एक बार फिर लोकेशन दिखाता हूँ चारों तरफ का। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन मिली हमें ये। बातचीत करने से सब चीज़ें मिल जाती हैं। और बराबर में ये देखिए घोड़ नदी है। कैंप लोकेशन की साइड में थी हमारी ये। बहुत प्यारा व्यू है। ये देखिए मेरे पीछे कितनी शानदार लोकेशन है। ये देखिए चलने से पहले एंजॉय ऑफ लाइफ, रिटायरमेंट लाइफ। ये देखिए दोस्तों घोड़े गांव से भीमा शंकर निकलने के लिए हम अपनी अब कैंप साइट से निकल रहे हैं और जा रहे हैं भीमा शंकर के लिए। कैसा लगा आपको हम लोगों से मिलके? एकदम अच्छा लगा। अच्छा लगा? अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। घोड़े गांव में बहुत बहुत मजा आया यहाँ पर। अच्छा अच्छा ठीक है। और अब जा रहे हैं भीमा शंकर और ठीक है। दोस्तों हम लोग अब घोड़े गांव से निकल गए हैं और भीमा शंकर के लिए। और भीमा शंकर यहाँ से करीब 45 किलोमीटर दूर है। कैंपिंग लोकेशन से निकल के अब हम रोड पे आ गए हैं और चल रहे हैं भीमा शंकर। देखते हैं कितना टाइम लगता है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठवां ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। भीमा शंकर पुणे से 100 किलोमीटर, मुंबई से 200 किलोमीटर, नासिक से 208 किलोमीटर और दिल्ली से 1425 किलोमीटर की दूरी पर है। फ्रेंड्स भीमा शंकर 3 किलोमीटर रह गया है अब। और देखिए कितना घना जंगल है, कितना छायादार, बहुत ही सुंदर है। फ्रेंड्स भीमा शंकर मंदिर से पहले 2.5 किलोमीटर पहले ही यहाँ पर पार्किंग में रोक दिया गया है। भीड़ बहुत है, देखिए कितने ज़बरदस्त यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं बहुत संख्या में। और यहाँ से देखते हैं, या तो पैदल जाना पड़ेगा या कोई और व्यवस्था होगी तब देखते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। पार्किंग से हम इस बस में आए हैं, महाराष्ट्र सरकार की बस में। 10 रुपये देखिए उसके बाद थोड़ी दूर पर इसने उतारा है और आगे चलेंगे मंदिर दर्शन के लिए। हमें आज दिखाई दे रहे हैं श्रद्धालु, बहुत भीड़ है यहाँ पर।
संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं, भीड़ काफी है, लेकिन चलते हैं आगे। ये देखिए लाइन। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर ने कुंभकर्ण के पुत्र भीमेश्वर का वध इसी स्थान पर किया था, इसीलिए इस स्थान को भीमा शंकर के नाम से जानते हैं। यह ज्योतिर्लिंग सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर भीमा नदी के किनारे पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। ये देखिए ज्योतिर्लिंग का मुख्य मंदिर सामने स्थित है। दोस्तों अभी अभी हमने भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं, बड़े अच्छे दर्शन हुए। और आप ये देखिए पीछे ध्वजा दिखाई दे रही है मंदिर में, और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, हमें बड़ी शांति मिली। आप भी आइए भीमाशंकर, बहुत अच्छी जगह है और ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। भीमाशंकर मंदिर के पास में बड़े अच्छी अच्छी स्वीट्स मिलती हैं, और यहाँ का स्पेशल है ये देखिए मावा, वाइट मावा और ये ब्राउन मावा, ये यहाँ का स्पेशल है। दोस्तों भीमाशंकर में बड़े अच्छे दर्शन हुए, और अब हम भीमाशंकर से निकल लिए हैं और लोनावाला की तरफ जाने का प्लान बन रहा है हम लोगों का। क्या नाम है आपका? मेरा गवारी, विठल गवारी। विठल गवारी, तो हम भीमाशंकर से आ रहे थे तो हमें मिले वहाँ पर एक जगह पर विठल गवारी जी, तो हम इनसे रास्ता पूछने लगे। बड़ा अच्छा लगा इनसे बातचीत करते हुए, और आपको पता ही हम अपनी गाड़ी में पीछे की साइड में इमरजेंसी अगर होती है तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। हमने आपको एडजस्ट किया और हम 8-10 किलोमीटर आपके साथ लगे, बातचीत हुई रास्ते में। बड़ा दुकान भी आपकी है और ये बच्चा भी है, और इसने बहुत ही शानदार हमको चाय पिलाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इतना समय निकाल के। हम भीमाशंकर से लोनावाला जाते हुए आप ये देखिए क्या नज़ारे हैं, हम नज़ारे देख के गाड़ी हमें रोकनी पड़ गई, और हम ले रहे हैं यहाँ पर मौसम का, और देखिए आप क्या ब्यूटी है, बहुत ही शानदार नज़ारा है। नीचे नदी है, इधर पहाड़ है, ये पीछे गांव है, ये देखिए आप, मन इतना खुश हो गया यहाँ आकर, आगे जाने को मन ही नहीं कर रहा है। तो मन कर रहा है कि यहीं पर यहीं पर ही कैंपिंग कर लें आज रात में। आप देखिए यहाँ पर रास्ते में देखिए मेला सा लगा हुआ है, यहाँ पर बता रहे हैं कि पशुओं की रेस हो रही है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, हम लोग क्लिप तो ले नहीं पा रहे हैं, चलते हैं आगे। फ्रेंड्स लोनावाला अभी यहाँ से 20 किलोमीटर है और रात हो गई है। बीच में जो रोड थी भीमाशंकर से, वो रोड बीच में बहुत खराब थी, तो उसकी वजह से हम लोग लेट हो गए हैं। रात काफ़ी हो गई है और हम लोग लोनावाला कैंपिंग लोकेशन के पास में आ गए। फ्रेंड्स हम लोग लोनावाला पहुंच गए थे, और रास्ता बाद में साफ मिला, पहले रास्ता ख़राब था। और यहां पर इंद्रियानी नदी है लोनावाला में, इंद्रियानी नदी के तट पर हमने एक जगह कैंपिंग हम लोग कर रहे हैं, और इस समय क्योंकि भूख लग गई थी, इस समय अपना खाना बनाया जा रहा है, और खाने में बन रहा है आज राजमा चावल। इधर ये देखिए राजमे में सीटी लगेंगी अब, और इधर राजमे के छौंक की तैयारी हो रही है। दोस्तों यही होता है ग्रुप कैंपिंग में, देखिए इधर गुज्जू कपल ट्रैवलर की किचन भी खुल गई है साथ साथ, और हमने आपस में शेयरिंग कर ली है। इधर राजमा बनाया जा रहा है, इधर रोटियां बनेंगी और राइस बन रहा है इधर। ये देखिए आप राजमा उबल गया है, ये प्याज देखिए चॉप हो गई है, टमाटर भी चॉप हो गए हैं, छौंकने की तैयारी है, और फटाफट फटाफट डिनर बनाकर डिनर लेंगे हम लोग। रात के बज रहे हैं इस समय 9:15, ये देखिए इस लोकेशन पे रात हो रही है। ये आप देखिए लोकेशन इंद्रियानी नदी के पास लोनावाला में बन रहा है आज राजमा चावल। अब देखिए राजमा छौंकने की तैयारी हो रही है, और ये आ गया इसमें प्याज, क्या क्या डाला है इसमें? अभी प्याज और लहसुन, और प्याज लहसुन जीरा, अब क्या डाल रहा है इसमें, ये क्या डाला जा रहा है? देखिए प्याज और लहसुन और ये जीरा वगैरह के बाद में ये हल्दी और मिर्च के बाद ये है इसमें डाला जा रहा है। अब ये टमाटर चॉप किए हुए टमाटर और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला है, और ये देखिए अब तैयार हो रही है इसकी ग्रेवी राजमा की, और बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट और उधर बन रहे हैं राइस। ये देखिए दूर से ही ज्वाला दहक रही है। अब देखिए राजमे की ग्रेवी हो गई रेडी, और इसमें आएगा अब राजमा, रह गया आना इसमें। ये देखिए राजमा ये रखा हुआ है उबला हुआ,
हमारे सर ग्रेवी तैयार हो गई है, अब बस इसमें मिक्स किया जाएगा और हमारा राजमा हो जाएगा रेडी। ये देखिए, और ये देखिए मसाला डल गया राजमे में। देखिए डिनर हो गया है हमारा रेडी। ये देखिए राजमा धुआं उठ रहा है राजमे में, गर्मा गर्म राजमा। राइस तैयार हो गया है, सलाद तैयार हो गया है, रोटी बन गई है, सब कुछ तो हो गया है। खाया और लेते हैं डिनर इस लोकेशन में, नदी किनारे, इंद्रानी नदी के किनारे। नदी तो अभी दिखाई नहीं दे रही, सवेरे दिखाएंगे आपको, लेकिन खाना आपको देखिए गर्मा गर्म खाना। गाड़ी का बेड भी हमारा लग गया है अब, और इधर डिनर के बर्तन वगैरह भी साफ ऑफ करके और हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। डिनर के बाद अब देखिए हमारा लग गया है बेड और सोने की अब हो गई है तैयारी। वीडियो को आज हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, आप बने रहिएगा अगले वीडियो में। गुड नाइट।